उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती को लेकर और भी बड़े बदलाव आप लोगों के कर दिए गए। यहां पर बात करने वाले हैं क्या क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं और किन किन अभ्यर्थियों का इसका फायदा मिलने वाला है, किन किन अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज रहने वाली है और किन अभ्यर्थियों के लिए बैड न्यूज रहने वाली है। बिल्कुल इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी डिटेल से बताने वाला हूं। आप सभी को पता है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया सीआरपीएफ को, क्योंकि काफी लंबे समय पहले ही सीआरपीएफ वैकेंसी हेड कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर एक पिटीशन है वो दिल्ली हाई कोर्ट में डाला गया था। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया गया था कि सीआरपीएफ जल्द से जल्द हेड कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट करवाए। लेकिन आप सभी को पता है कोविड के बाद में बहुत सारे रिक्रूटमेंट आए थे, एसएससीजीडी का एक बड़ा रिक्रूटमेंट आया था जिसमें भी आपको एज में छूट मिली थी। आर्मर्ड फोर्स से जितने भी इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में अग्निवीरों की जो रैली भर्तियां हुई थी उनमें भी आप लोगों को आयु में छूट दी गई थी, लेकिन यहां पर हेड कांस्टेबल में आयु में छूट आप लोगों को नहीं मिल पाई थी। जबकि सबसे डिले ये एग्जाम हुआ था, सबसे डिले ये रिक्रूटमेंट आया था 2016 के बाद में, काफी ज्यादा आप लोगों ने इंतजार किया था। तो ऐसे में बात करने वाले हैं कि अब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद में क्या क्या चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने इस बार हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 1400 प्लस पदों का ये रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर जानने वाले हैं कि किन किन अभ्यर्थियों को इनका फायदा मिलेगा, क्या एग्जाम डेट भी आप लोगों की आगे बढ़ सकती है, क्या लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में उसी के बारे में मैं पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही रोज शाम 8 बजे आप लोगों को यूट्यूब पर डेली प्रैक्टिस क्लास भी हेड कांस्टेबल को देखने को मिलेगी, तो रोज शाम 8 बजे आप प्रैक्टिस क्लास में भी जरूर आए और इसका फायदा ले। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के बारे में। देखो सबसे बड़ा बदलाव, पहला बड़ा बदलाव यही किया गया है कि एज में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि जो एज में छूट दी गई थी वो केवल ओबीसी एससी एसटी को मिल रही थी, जो कि दोस्तों हर भर्ती में मिलती है। आप सभी को पता है एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, लेकिन जनरल को किसी भी प्रकार की अलग से छूट नहीं मिली थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा है कि सभी को कोविड की वजह से और भर्ती जो डिले आई है उसकी वजह से 3-3 साल की आयु में छूट मिलनी चाहिए। देखो मिनिमम जो आपकी एज रहती है वो 18 साल से लेकर, जी हाँ दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, जनरल वालों का जो क्रिटेरिया था जनरल की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल का क्रिटेरिया है, लेकिन अब आपको यही एज आप लोगों को देखने को मिल सकती है, 3 साल की अतिरिक्त छूट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। मतलब 28 साल तक जनरल वाले भी अब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सीआरपीएफ ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, जल्दी आप लोगों को नोटिस देखने को मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो यहां पर आपका जो एज का क्रिटेरिया 18 से लेकर 28 साल तक था, क्योंकि 25 तक तो जनरल का था, 3 साल की आपको आयु में छूट अतिरिक्त मिलती थी, उसके बाद में 3 साल की और आपको आयु में छूट मिलेगी, मतलब आप 31 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है, एसटी और एससी कैंडिडेट है, तो आपका जो क्रिटेरिया था वो 28 से लेकर 30 साल का था, लेकिन अब 3 साल की अतिरिक्त छूट मिल रही है तो यहां पर आप 33 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चेंजेज सबसे बड़ा चेंजेज है। इसके बाद में आप सभी को पता है अगर ये चेंजेज किया जाएगा तो अभी आप लोगों की जो लास्ट डेट है वो भी बढ़ सकते हैं। आप सभी को पता है 25 जनवरी तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आदेश अब सीआरपीएफ को दिया गया तो सीआरपीएफ नोटिस जारी कर सकती है और आपकी जो डेट है वो बढ़ा सकती है। और आप सभी को पता है देखो अगर आपकी लास्ट डेट बढ़ेगी तो आप सभी को बता आपकी एग्जाम डेट भी सीआरपीएफ ने पहले ही बता दी है, क्योंकि लंबा समय हो चुका है सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की काफी कमी चल रही है, वो चाहते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, इसीलिए आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम करवाया जा रहा है। और इस बार आप लोगों का जो एग्जाम का टेंडर है वो टीसीएस को दिया गया, जो एसएससी का एग्जाम कराती है उसी कंपनी को यह टेंडर दिया गया। अब मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, जो आपका एग्जाम है वो 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में आप लोगों को डेट बताई गई है, लेकिन अगर आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड होती है, लास्ट डेट बढ़ा ही जाती है, तो यहां पर आपकी एग्जाम डेट भी बढ़ सकती है। जी हां दोस्तों, एग्जाम डेट भी आप लोगों की फरवरी की जगह मार्च में जा सकती है। इसको लेकर सीआरपीएफ जल्द नोटिस जारी कर सकता है। अब देखो किन किन अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलेगा, बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं, जनरल वाले उन अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा
जो 1 साल 2 महीने 3 महीने या 6 महीने की वजह से हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म नहीं भर पाए, लेकिन उन्होंने इंतजार किया कि सीआरपीएफ का रिक्रूटमेंट आएगा, टाइपिंग वगैरह वो पहले से ही बेहतरीन कर रखी थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पर वो एज का क्रिटेरिया, एज में छूट नहीं मिल पा रही थी और वैकेंसी नहीं आने के कारण वो ओवरएज हो गए थे। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अभी जो एज में छूट मिलेगी उससे जनरल वालों को भी फायदा होगा, तो एसटी एसटी को भी होगा, तो ओबीसी वालों का भी होगा। लेकिन देखो, जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया जिनकी एज सही है, वहां पर कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज उन बच्चों के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया और एज क्रिटेरिया बढ़ाने के बाद में वो थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए बेहतरीन है और ये जो समय मिला है, अगर मार्च में एग्जाम होता है तो आपको कुछ समय और मिल रहा है तैयारी के लिए, तो अभी से बेहतरीन तैयारी कर दीजिए। और आपके तैयारी के लिए हमारा स्पेशल डेडिकेटेड बैच आ चुका है, स्पेशल वर्दी बैच, जो कि एक टारगेटेड बैच है, और इससे आप बेहतरीन तैयारी करके जो आपका सपना है सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर भर्ती होने का, वो सपना आप साकार कर सकते हैं। इस वर्दी बैच में ऑल सब्जेक्ट की क्लासें मिलेगी जिसमें आप घर बैठे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले तब भी आप क्लास ले सकते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके वगैरह सारे टॉपिक कवर किए गए। साथ ही आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसके साथ ही सब कुछ बेस्ट फैकल्टी के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक एक एक चीज क्लियर की गई। अगर आप एक मार्केट से बुक परचेज करते हैं 250, 300 या 400 से कम में नहीं मिलती, बाद में बच्चे कमेंट करते हैं सर बुक लेके आया था लेकिन बुक से समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से कोर्स से हमारे कोर्स से तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दे। ये सब कुछ आपको मात्र 299 रुपए में दिया जा रहा है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती से जुड़ा आप लोगों का कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट भी आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।